के त्यौहार को देखते हुए इस समय मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और बाजार में बिकने वाला अधिकतर मावा मिलावटी औसत मानक पाया जा रहा है। गोरखपुर के बाजारों में कानपुर से लाकर इस मिलावटी मावे को बेचा जा रहा है। इसको लेकर आज सुबह खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी छापेमारी शुरू की। गोरखपुर के गोलघर स्थित खोया मंडी गली में चल रही इस छापेमारी में सैकड़ों टन मिलावटी मावा बरामद किया गया। छापेमारी से डरकर कई दुकानदार और व्यापारी दुकान और गोदाम बंद कर फरार हो गए। खाद्य विभाग की टीम ने कई गोदामों को खुलवाकर वहां की जब सैंपलिंग की तो उसमें भारी मात्रा में मिलावटी मावा बरामद किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जिन गोदामों को बंद कर व्यापारी फरार हुए हैं उनको सीज किया जाएगा और इस मिलावटी मावे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, बता दो टेम्पो क्यों चलिए? ये बताया ना पहले, उसका बारे में बताए। आपकी दुकान में थोड़े कम आपका माल है, बताया ना। ये ऑफेंस तो इसके खिलाफ होगा ना, और ये गड़बड़ मिला है हम लोगों को किसके द्वारा? ये है किसका? चाकू तो हो गया ना, यार पहले हम जस्ट लाइन पे जा रहे हैं। खोआ मंडी में सूचना मिली थी कि जो है मिलावटी खोआ ये लोग जो है बेच रहे हैं, तो इसी क्रम में जो है जो खाद्य विभाग की टीम और जो उनके इंस्पेक्टर और CFO ये सब लोग को साथ लेके, पुलिस की भी टीम साथ लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे छापेमारी करी है। और जिसको खाद्य विभाग की टीम को जो संदेह लगा है जिस खोए पे, जो मावे पे, उसका उन्होंने सैंपलिंग भी किया है। एक छोटा सा ऑटो भी पकड़ा गया है, छोटा हाथी, जिसमें कुछ सस्पेक्टेड खोआ बरामद हुआ है और उसको जो है खाद्य विभाग की टीम द्वारा नष्ट कराया जाएगा और बाकी कार्रवाई चल रही है। जो सैंपल लिए गए अगर फेल होते हैं, जो भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ना अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि इसमें सैंपलिंग का प्रावधान होता है और जब सैंपल का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कार्रवाई होती है। तो अब जो भी लोग सैंपलिंग किए हैं भेजेंगे, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत कार्रवाई होगी।